आपने क्या फैसला किया है? इस बारे आप बुजुर्ग की शादी के ईमान के ठीक होने का एक तरीका है, अगर हम अपनी मिशा उसके हवाले कर दें तो। अरे बीवी घर में आती है तो खुशकिस्मती लेके आती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि बदकिस्मती का दौर शुरू हो गया है। और कितनी नौसत समेट के लाओगी उस घर से तुम हमारे लिए? ये तो मेरी बेटी है, ये तो वाकई मेरी बच्ची है। उस घर में जाते ही तुझे सौतन का पत्ता काटना पड़ेगा, वरना वो तेरा पत्ता काट देगी। हाँ मामा ठीक है, पोते की ख्वाहिश में आप लोग मेरी दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को तो देखिए, जैसे लोग होंगे वैसी उनकी सोच होगी। पता नहीं वो लड़की कैसी हो, मैं तो जानता भी नहीं उसको पर्सनली। कैसी बातें कर रहे हो सलमान? जोहा ने MBA किया हुआ है, मीनाल से ज्यादा पढ़ी लिखी है। मैं मानती हूँ कि उनके पास पैसे की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास पैसे की कमी होती है वो लोग जाहिल होते हैं। मैं मानता हूँ उसने MBA किया हुआ है, लेकिन उसके घर वालों की सोच तो नहीं बदल सकती ना। कम से कम आप स्टेटस को तो देखे, वो पत्नी हमारे घर में एडजस्ट हो पाई या नहीं। स्टेटस वाले लोग अपनी बेटी को ऐसी जगह नहीं बिहाते जहाँ आते ही सौतन की सलामी पहले मिले। जहाँ भी बात चलाई सब लोगों ने इनकार इसी वजह से किया कि तुम्हारी पहले से शादी हुई है। कहते थे कि अगर पहली बीवी को तलाक दोगे तभी राजी होंगे, और बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर मीनाल को औलाद नहीं हो सकती तो। मामा प्लीज प्लीज, ऐसे घटिया लोगों की सोच मुझे कन्वे मत कीजिए। तो तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, जो भी लड़की तुम्हारी दूसरी बीवी बन के आए उसे वही हैसियत देनी होगी जो तुम मीनाल को देते। अगर वो इस काबिल होगी तो उसे वो हैसियत मिलेगी। देखो सलमान, अगर तुम सिर्फ मनाल की हिमायत में रह के सोचोगे तो कभी भी इंसाफ नहीं कर सकोगी, और अगर नाइंसाफी हुई ना तो इस घर में कोई भी खुश नहीं रह सकेगा, न तुम्हारी दोनों बीवियां, न तुम और न हम। मामा गॉड सेक, क्या ये शादी वाली बात खत्म नहीं हो सकती? दूसरी शादी करवाना जरूरी है, आप भूल नहीं सकती ये सब कुछ। हो सकता है सलमान, ये हो सकता है कि इस वक्त तुम्हें औलाद की जरूरत ना हो, लेकिन तुम्हारे डैड और मुझे इस घर के वारिस की जरूरत है। इस वक्त तुम इमेच्योर सोच रखते हो, तुम्हें इन बातों की कोई अहमियत नजर नहीं आ रही, लेकिन कल हो सकता है तुम खुद से शादी करो और तुम्हारे बच्चे भी हो, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी होगी। ये भी हो सकता है कि हम उस वक्त तक इस दुनिया में ना हो, पछतावा सिर्फ तुम्हें होगा, मीनाल को नहीं। वो एक बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत जिद्दी। वो अपने इन गलत हटकंडों से कभी बाज नहीं आएगा। आप ईमान को ढूंढकर कहीं से भी लेकर आ जाए, अगर आपने देर की तो आप लोगों की तलाक हो जाएगी। आफाक, वो खुद तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने देगा। आपकी तसल्ली अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपनी बदकिस्मती पे पूरा यकीन। आफाक बेटा, तुम्हें सबर करना होगा, सबर करना होगा। कितना सबर करना है अम्मा जान, अभी और कितना सबर करना है। हमने एक शैतान सिफत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली है बेटा, उसकी शैतानी से बचने के साथ साथ हमें सबर भी करना होगा। वो एक बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत जिद्दी। वो अपने इन गलत हटकंडों से कभी बाज नहीं आएगा। बस बस तुम्हें उसके सामने हमेशा अपना दफा करना होगा बेटा। यहाँ पे आप गलत हैं मामा जान। अब मैं मुकाबला करना चाहूंगा उनके साथ। ये दुनिया तो तुम्हारे लिए जहन्नुम बनी गई है, अगर दूसरी दुनिया की जहन्नुम मोल मत लो। वो शैतान है मगर है तुम्हारा बाप। बाप के खिलाफ लड़ना बस एक ही सूरत में जायज है, अगर वो दीन के खिलाफ, तुम्हारे दीन के खिलाफ कोई भी कदम उठा। तुम्हारे ना भाभी जान, आपकी सोच पर मुझे यकीनन फख्र।
चलिए इसका घर है। वफाक भाई एक्चुअली घर का किराया अदा करने की पोजीशन में हम नहीं थे, तो ये वही घर है जो अबीर के डैड ने हमें दिया था। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप लोग? आफाक बेटा तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम्हारा मुकाबला एक नहायत शातिर इंसान के साथ है और इंशाल्लाह तुम जीतोगे। इस घर में जब तक चाहो तुम लोग रह सकते हो। अभी मैं अबीर को यही समझा रहा था, ये घर इसका अपना है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अबीर बेटा इन सब का ख्याल रखना, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ वो तो ठीक है, मगर इतनी भी क्या जल्दी है तुम लोगों को? अरे बहन बात दरअसल ये है कि जोहा के अब्बा जो हैं वो जद्दा में मुलाजिमत करते हैं, इस महीने की 10 तारीख को वो वापस आ रहे हैं, इसके बाद तो 2 साल बाद आना होगा उसका, तो हम क्या 2 साल लड़की को बिठाए रखेंगे? जोहा के अब्बा चाहते हैं कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करें, बस ये बात है। तुम क्या सोचने लगी? भाई जहेज मुकम्मल तौर पे तैयार है और बहुत सारा सामान तो हमने जद्दा से मंगवाया है। मैं सोच रही थी कि शाम को किसी शोरूम पे जाके कोई गाड़ी वाड़ी भी देख लूं। जहेज का तो नाम भी मत लेना, सख्ती से मना किया है उन लोगों ने। भरा पूरा घर है, तुम्हारी बेटी का जहेज कहाँ रखेंगे वो? मुझे तो परेशानी ये है कि इतनी जल्दी शादी पे कैसे मनाऊं। कैसी बातें कर रही हो? भाई दोनों खानदान मिले हैं, एक दूसरे को पसंद कर लिया है, उनको भी कोई एतराज नहीं है, अब फिर शादी भी धूमधाम से नहीं होनी, ये फैसला भी उन्हीं का है। ये छोटी मोटी तैयारी के लिए तो काफी वक्त है। अच्छा देखूंगी, बात करूंगी उनसे। हाँ तो कर लेना बात। अब बैठी क्यों है? खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई नहीं है घर में, नमाज का वक्त हो रहा है। अच्छा भाई चलती हूँ। ए जोहा, वो दूध पत्ती जो बनाई है ना वो लाके मुझे दे दे, गई कमबख्त। वैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं इस बात पे, देखिए अगर रिश्ता तय हो गया है तो जल्द शादी कर देने में क्या हर्ज है, और लड़की का बाप अगर चाह रहा है कि शादी उसकी मौजूदगी में हो जाए तो आखिर क्या कबाड़ है? मुझसे मत पूछो। आपसे पूछ भी कौन रहा है? सलमान तुम बताओ, अगर नेक्स्ट संडे को निकाह की तारीख रख दी जाए तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में अभी 10 दिन है, कोई इतनी जल्दी भी नहीं है, ठीक रहेगा ना? जो कुछ भी हो रहा है मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। ये ले, इससे कोई पूछे कि पहले जो कुछ हुआ है वो कुछ ठीक हुआ है? सबका ही दिमाग खराब है इस घर में, आप समझाते क्यों नहीं अपने लाडले को? जो कुछ कर रही हो बस तुम ठीक कर रही हो। मेरे खुदाया, एक नशे दो शे। कुछ देर आराम कर ले। नींद नहीं आ रही है मुझे इस घर में, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरों के रहमो करम पे हैं। अब ये आजमाइश है आफाक हमारे? आजमाइश नहीं है यार, जो सजा है। मैंने ईमान को बेघर किया था, अब देखो अपनी पूरी फैमिली समेत मैं खुद बेघर। जरूर ईमान की बदवा लगी है मुझे। नहीं आफाक, आप तो जानते हैं कि वो ऐसी नहीं है। गलत किया मैंने उसके साथ, पता अफाक प्लीज आप
आप ईमान को ढूंढकर कहीं से भी लेकर आ जाए। देखिए अभी भी तो आपकी बीवी है ना, अगर आपने देर की तो आप लोगों की तलाक हो जाएगी। आफाक, क्या मतलब अर्जुन? तलाक तो तीन दफा कहने से होती है ना। हाँ आफाक, लेकिन अगर शौहर ने बीवी को एक दफा तलाक दी है और एक महीने के अंदर अंदर मियाँ बीवी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं हुआ तो फिर दूसरी तलाक हो जाती है, और फिर इसी तरह एक महीने के बाद तीसरी, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। आफाक प्लीज आप ऐसा मत होने दें, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम्हारी कंडीशन अब पहले से बेहतर हो रही है मान। वैसे मुझे बीमारी क्या थी, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? तुम्हें याद है तुम्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन तुम बेकसूर थे इसलिए तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, लेकिन अब तुम पहले से बहुत बेहतर हो गई हो। तो क्या मुझे फिर से जेल जाना होगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल जेल नहीं जाने दूंगी। तुम हो कौन? मैं तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी हमदर्द और तुम्हारी वकील। एक्चुअली मैं एक एनजीओ चलाती हूँ वुमेन राइट्स पर, तुम्हारे बारे में पता चला इसलिए तुम्हारा साथ दे रही हूँ। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया था, तो मुझे बचा लोगी ना? हाँ ईमान, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तो तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रही थी, और तुम अब ठीक नहीं बल्कि पूरी तरह ठीक हो चुकी हो। हम मैं कोर्ट में तुम्हारा केस रीओपन करवाऊंगी। थैंक यू। कुछ भी हो जाए कल सुबह तक वो फाइल मेरी टेबल पे होनी चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ ओके। सर ये खातून आपसे मिलना चाहती है। अस्सलामुअलैकुम मरगूब अहमद साहब। यस एक्चुअली मैं आपको इनविटेशन देने के लिए आई थी, दिस इज माय ब्रोशर और इनविटेशन कार्ड। हम लोग मेंटल डिजीज के हवाले से एक एनजीओ रन कर रहे हैं और उसकी वर्कशॉप कर रहे हैं। उसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि मजबूर और लाचार लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो सर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप उस वर्कशॉप में एज अ चीफ गेस्ट आए तो ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात होगी। इंशाल्लाह ठीक है। आप ऐसा करें, आप एक 5 लाख रुपए का चेक इनके नाम करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आई होप टू सी यू अगेन सून। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आइए प्लीज मुझसे कुछ भी मत पूछ, सारा गुस्सा सारे गम सारी तकलीफें भुलाना चाहती हूँ, बस सिर्फ अपनी बच्ची को याद रखना चाहती हूँ और अपने पास रखना चाहती हूँ। देखो ईमान, हो सकता है मैं उससे बात करकर उससे मिलकर तुम लोगों का इशू रिजॉल्व करवा सकूँ। मुझे ये इशू रिजॉल्व नहीं करना ईमान, शौहर के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती। मैं जी लूंगी, मेरी बच्ची है ना मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ बेटा बैठो। मिनाल बेटा, तुम जानती हो ये जो कुछ हो रहा है इसमें हम में से किसी की मर्जी शामिल नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे डेवलप हो गए कि बस इसमें एक अच्छी बात भी होगी, तुम्हें
कम से कम माँ होने का एहसास मिल जाएगा। अगर बीवी होने का एहसास बाकी रहा तो। बेटा मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं होगी। अव्वल तो सलमान खुद ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार करता है तुमसे, वो खुद तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने देगा। आपकी तसल्ली अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपनी बदकिस्मती पे पूरा यकीन। सब ठीक हो जाएगा बेटा इंशाल्लाह। ऑफिस में इतने घपले हो रहे हैं और मुझे अभी तक खबर ही नहीं हुई। सर थोड़े बहुत घपले तो पहले भी होते थे, मगर जब मैंने देखा कि बात करोड़ों तक जा रही है और तो और इन्होंने मुझे भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मैंने अभी हाँ और ना तो नहीं कहा था कि कहीं इन्हें मुझ पर शक ना हो जाए, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब प्लीज आप भी इस सिचुएशन को संभाल लीजिए। ठीक है, तुम एमडी के खिलाफ मेरे नाम से एक एप्लीकेशन लिखो और मेरे नाम से एक एसएसपी को एप्लीकेशन लिखो और ये बंदा जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट होना चाहिए। सर एक बात बोलूं? बोलो। सर आपके फैमिली इश्यूज जो भी हैं इन्हें आप जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लीजिए, वरना इसी तरह बाहर वाले आपके पर्सनल इश्यूज का नाजायज फायदा उठाते रहेंगे। आइंदा मेरी फैमिली के इश्यूज को डिस्कस करने का सोचना भी मत। सॉरी सर। उठाओ ये, चलो जल्दी करो। वो सब तो ठीक है डैड, लेकिन तुम अफाक की फिक्र मत करो, मैं उसे जॉब दिलवा दूंगा और वो चाहे तो मैं छोटा मोटा बिजनेस भी करवा दूंगा, मगर मैं नहीं चाहता वो यहाँ देर तक टिका रहे। प्राइवेसी भी तो कुछ चीज होती है ना, और मैं शुरू से चाहता था कि तुम और फाहम अलग रहो। अगर मैं जानता हूँ उसका बाप कभी भी राजी नहीं था और अब उसने सबको निकाल दिया है, तो मौके को गनीमत जानो और अलग रहने का सोचो। ठीक है, लेकिन आप इस बारे में फाहम से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ मैं जानता हूँ बड़ा जज्बाती है, मगर अब तुम पर है कि उसे कैसे कायल करना है कि अफाक को अलग करना है। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। अम्मा मैंने जो कुछ भी सीखा है ना तुमसे ही सीखा है। परसों निकाह होगा, निकाह घर पर ही होगा, बहुत थोड़े मेहमान होंगे। अगर तुम अपने भाई के घर जाना चाहती हो तो चली जाओ। हेलो डॉक्टर आफिया। हाय सोनी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ? मैं बिल्कुल ठीक, कैसे आना हुआ? डॉक्टर आयजा कहाँ है? डॉक्टर आयजा बिजी हैं और आज एक इवेंट है मेंटली डिसऑर्डर बच्चों के लिए, हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई है जिसके लिए कुछ बिजनेसमैन्स आ रहे हैं। हेलो सर। हेलो। बहुत सुना है आपके बारे में, यू आर सो जेनरस। थैंक यू। स्पेशली औरतों के हकूक के हवाले से जो आपने खिदमत अंजाम दी हैं वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। बस ये हमारे माशरे में औरतों पे जो जुल्म हो रहा है मैं उसके खिलाफ। सो नाइस ऑफ यू सर। ये है एडवोकेट जुनैरा अहमद,
शी इज ऑल्सो रनिंग एन एनजीओ और ये औरतों पे होने वाले जुल्म का कोर्ट में हिसाब लेती हैं। Nice to meet you. Thank you so. अरे मैं आपको अपना कार्ड दे देती हूँ। ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात हो। इंशाल्लाह जरूर जरूर। मैं तो खुद चाहता हूँ कि औरतों के हकूक के लिए ज्यादा से ज्यादा। तुम जैसे इंसान को औरतों के हकूक के बारे में बात करते हुए शर्म नहीं आती? ईमान देखो प्लीज होश करो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। ये हमारी चीफ गेस्ट है। तुम इसे नहीं जानती क्या? ले जाओ इसे, पागल है ये। इनका काला है, शराफत के तकावर किया है यहाँ पर, समझी? पागल औरत। मैं माजरत चाहती हूँ, आप हमारे इतने मुअज्जज मेहमान हैं, हमें आपके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम। आइए मैं तुमसे सिर्फ इतना सा पूछ रही हूँ, तुमने ऐसा किया क्यों? वो हमारे इतने मौजूद मेहमान थे। मौजूद होगा वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो सिर्फ एक घटिया इंसान है। क्यों, क्या किया उसने, ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? सुनी तुम क्यों डांट रही हो उसको? तुम जानती भी हो कि उसकी कंडीशन कैसी है और फिर भी। क्या हुआ मेरी कंडीशन को, क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती है ना, इस वजह से कह रही। देखो ईमान, मुझसे हमदर्दी जताने की कोशिश मत करो, तुम सब लोग एक जैसे हो, सिर्फ अपना नाम और अपना काम चमकाना जानते हो, हमदर्दी की डोज देकर सिर्फ पैसा बनाना जानते हो। मैं किस... सुनी ले भर लो, थोड़ी देर में खुद समझ जाएगी। समझो बेटा, तुम चलो मेरे साथ आओ। अब आप क्या सोच रहे हैं भाग भाई? नहीं कुछ नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि बाबा जान हमसे इस तरह की दुश्मनी रखेंगे। आखिर हमने उनका बिगाड़ा क्या है? हमने तो उन्हें उनके हाल पर भी छोड़ दिया, फिर भी वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसे ही, अगर हम उनसे उलझना नहीं भी चाहेंगे ना तो वो अपनी तस्कीन के लिए हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो फिर हम भी तो उनसे बदला ले सकते हैं ना। तुम जानती तो हो अभी मुझे ना, हमें ऐसा नहीं करने देंगे। तो फिर इसका क्या हल है? एक प्रपोजल है आपके लिए फाग भाई। मैं तो अबीर के डैड के ऑफिस में जॉब शुरू कर रहा हूँ एज सीईओ। मुझे वो सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं, वो आपको भी जॉब ऑफर कर रहे हैं एज जीएम, 3 लाख तक सैलरी भी होगी इसकी। नहीं फाम, इसकी जरूरत नहीं है। अफाक भाई बड़ी सिक्योर जगह है, यहाँ पे एटलीस्ट बाबा जान के असर और रसूख काम नहीं कर सकेंगे, वो आपको जॉब से भी नहीं निकलवा सकते। नहीं फाम नहीं, वो मेरी एक जगह बात चल रही है, तुम फिक्र मत करो। देखिए आपकी बात चल रही है ना, अगर हमारे दरमियान तो बात हो चुकी है आपके बारे में, हम दोनों भाई एक ऑफिस में काम करेंगे, एक जगह पे काम करेंगे और फिर मुझे आपके एक्सपीरियंसेस से तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाहम देखो इज्जत मत कर, मैं नहीं कर सकता ये जॉब। आखिर क्यों अफाक भाई, कोई तो वजह होगी इसकी। है वजह, नहीं बनना मुझे किसी पे बोझ, जो करूंगा खुद से करूंगा, अपने ओन पर करूंगा, इतनी खुददारी है मुझ में। सॉरी यार फाहम, प्लीज समझो इस बात को। अभी डैड से कहना कि हम जल्दी चले जाएंगे यहां से, ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। रही बात प्राइवेसी की, तो कोशिश करेंगे जितनी देर हम यहां पर हैं
आप लोगों को तंग ना करें। क्या तुम्हारे डैड की कोई बात हुई है फाग भाई से? I don't think so. फिर भी मुझे पता नहीं। अम्मा, क्या तुम वाकई सच कह रही हो? उन्होंने जहेज लेने से मना कर दिया? हाँ भाई, मैं तो सोच रही हूँ कि उनके घर जाके कहूँ कि मेरी बेटी को अलग घर लेके दो। अब क्या सौतन का सामान इस्तेमाल करेगी? क्या हो गया अम्मा, हम लड़की वाले हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, बिक गए क्या उनके हाथों हैं? अरे तुम मेरी एक इकलौती बेटी हो, तुम्हें क्या आग में झोंक दूं? अम्मा तू फिक्र क्यों करती है, मुझे एक बार उस घर में जाने तो दे, फिर देखना जो हम चाहेंगे वही होगा। क्या करेगी तू? तेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो तू घुमाएगी और अपनी मर्जी से जो चाहेगी कर लेगी? पर यही समझ लो कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। देख भाई, मुझे तेरे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। देख बेटा, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। अम्मा मैंने जो कुछ भी सीखा है ना तुमसे ही सीखा, और रही बात सौतन की तो देखना, उसका पत्ता ऐसे साफ करूंगी उसे पता भी नहीं चलेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, कुछ भी करने से पहले मुझसे मशवरा जरूर कर लेना, समझी? क्या हो गया अम्मा, मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी मैं जो कुछ करूंगी बहुत सोच समझ के करूंगी। पूरे जमाने की नोकझोंक का पता है मुझे। ला दे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम, बैठो। देखो मीनाल, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने जा रहा है उसे किस्मत का लिखा समझकर तस्लीम कर लो। खुद को क्यों अजियत दे रही हो, हर वक्त कमरे में बंद रहती हो? जो कुछ भी हुआ मैं उसे अभी तक तस्लीम नहीं कर पाई मामा, और जो कुछ भी हो रहा है और होने जा रहा है पता नहीं सब कैसे बर्दाश्त करूंगी। काश काश उस दिन तुम अपने बाप के घर जाने की जिद ना करती। कितना रोका था सलमान ने तुम्हें, कितना खुश था सलमान और मैं कि सलमान को उसकी पसंद की दुल्हन मिली है, और अब तो वो बाप बनने जा रहा था। लेकिन मत रो मीनाल, तस्लीम कर लो अपने किस्मत के दुखों को। तुम्हें ये बताना था कि परसों निकाह होगा। निकाह घर पर ही होगा, बहुत थोड़े मेहमान होंगे। अगर तुम अपने भाई के घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरे ख्याल में यही बेहतर होगा। नहीं मामा, फिर से कोई बदनसीबी समेटने में वहां नहीं जाऊंगी, और ना ही उनका कोई घर रहा है। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। निकाह वाले दिन तुम अपने कमरे में ही रहोगी, कमरे से बाहर मत निकलना। तो मेरी बात सुन रही हो ना, ये जो भी हालात है ना तुम्हारे और तुम्हारे बाप के पैदा किए हुए, सफर तो हम सबको करना पड़ेगा ना, एडजस्ट भी करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तुम्हें।
ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। हेलो सर, मैं जुनैरा बात कर रही हूँ। हम हॉस्पिटल में मिले थे। जी कहिए, कैसे फोन किया? दरअसल सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हॉस्पिटल में आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मैं बहुत शर्मिंदगी फील कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर जहनी मरीजों की ऐसी हरकत पे हम गुस्सा करने लगे तो उससे हमदर्दी कौन करेगा। सो नाइस ऑफ यू सर, कितनी पॉजिटिव सोच है आपकी। आप जैसे लोग इस माशरे में बहुत कम रह गए। मुझ जैसे लोग तो बहुत हैं, आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो ऐसे लोगों की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोड़ना समझ लेते हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकूं। मुझे लगता है आपसे मिलना बहुत जरूरी है, कभी आइए ना मेरे घर या ऑफिस। जी जी सर, मैं जरूर आऊंगी मिलने, बल्कि मुझे भी बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कहाँ जाने की बात हो रही थी? अरे आज ईमान ने तमाशा कर दिया। हॉस्पिटल में एक एनजीओ की वर्कशॉप थी, उसमें उसने चीफ गेस्ट पे हमला कर दिया। ओह माय गॉड, फिर? फिर क्या, वो तो शुक्र है कि वो साहब बहुत अच्छे इंसान निकले। उन्हीं से बात कर रही थी, उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना बल्कि मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो क्या वो बुलवा के कुछ सॉरी वगैरह बुलवाना चाह रहे? अरे नहीं, ही इज सो नाइस। बस पता नहीं, मैं ईमान के लिए परेशान हूँ कि उसने दोबारा से ऐसी हरकत कैसे कर ली। चलो खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, चाय का बंदोबस्त कर दो यार, I'm really tired। ओह अच्छा, आप अंदर आए। गम ना करो बेटा, फहम तुम्हारा भाई है, वो अपने अच्छे बुरे का खुद जिम्मेदार है। ना तो तुम उसे रोक सकते हो कि वो अपनी ससुर की कंपनी में जॉब ना करे, और ना ही तुम्हें उसे रोकना चाहिए। हाँ लेकिन तुम्हें वहां जॉब नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब गुजारा कैसे होगा? सोच लिया मैंने। क्या है? एक कंपनी, कल जाऊंगा वहां अप्लाई करने के लिए। वकील, अल्लाह मालिक है। पे कितने लोग हैं? 5 लाख, वो भी एडवांस में। 2 लाख सैलरी होगी, एडवांस देना हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। अगर मंजूर है तो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा लेता हूँ। सर वो क्या हुआ? सर वो आफाक साहब आए हैं। किस लिए? MD की जॉब के लिए एप्लीकेशन लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू मैं खुद करूंगा, भेज दो। तुम कैसे समझते हो कि तुम इस जॉब के लिए फिट हो? 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। आखिरी जॉब कहाँ की? आप देख लीजिए मेरी CV में लिखा। जॉब क्यों छोड़ी? मेरे बाप ने निकलवा दिया था मुझे जॉब से। अच्छा,
तो इसका मतलब है कि बहुत असर और रसूख वाले हैं तुम्हारे बाप। अरे अगर तुम्हारे बाप ने अपना असर और रसूख यहां पर भी इस्तेमाल कर निकलवा दिया तो क्या करोगे? तो आप खुद निपट सकते हैं उनसे। पे कितने लोग हैं? 5 लाख, वो भी एडवांस में। 2 लाख सैलरी होगी, एडवांस देना हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। अगर मंजूर है तो कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा लेता हूं। मुझे मंजूर है। गुड, जा सकते हो। सलमान अहमद वल वहाब अहमद, आपको कबूल है? जी। इसे क्या हो रहा है? नया मुलाजिम है, वैसे तो ये ऑफिस में काम करता है मगर शरीफ आदमी है, घर के काम भी कर लेता है। आइंदा मेरे साथ तमीज और तहसीब से बात करें। हमें अपना हक लेना होगा। कभी भी हमें हमारा हक नहीं देंगे। अपनी जिद में आके हम सबको आग करके वो किसी ट्रस्ट को तो दे देंगे, लेकिन हमें हमारा हक नहीं देंगे वो।